हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई आईडी कि यूपीआई आईडी क्या होती हैं और यूपीआई आईडी को हम किस तरीके से यूज करते हैं तथा यूपीआई आईडी यूज करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे यूपीआई आईडी को और जानेंगे यूपीआई आईडी क्या होती हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई क्या है, व्हाट इज यूपीआई, यानी कि यूपीआई जो आईडी होती हैं क्या होती हैं। अगर बात की जाए यूपीआई आईडी की, तो आजकल लगभग जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं सभी लोग यूपीआई आईडी का यूज करते होंगे। जैसे कि हम ऑनलाइन कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चीज़ जो हम करते हैं तो हम यूपीआई की सहायता से ही करते हैं। जैसे कि मान लिया हम कभी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हमने कोई सामान लिया और हमने फोन पे के सहायता से उस व्यक्ति को ट्रांजैक्शन किया, तो ये चीज़ जो हुई है हमारी यूपीआई आईडी की सहायता से ही होती है। यानी कि यूपीआई आईडी की सहायता से अगर हमें कोई भी लेन देन करना हो तो हम लेन देन कर सकते हैं। तो बात करते हैं यूपीआई की, तो जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस तकनीक पर आधारित होता है। यह आईएमपीएस के ऊपर एक अतिरिक्त परत है जो नगद रहित और अन्य वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है जो तुरंत भुगतान की अनुमति देता है। यानी कि यूपीआई जो आईडी होती हैं इनकी सहायता से हम तुरंत भुगतान कर सकते हैं और इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लिया हम एक व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो मोबाइल प्लेटफॉर्म की सहायता से उस व्यक्ति को यूपीआई आईडी की सहायता से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसकी मदद से किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा है तो आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप बाज़ार गए हैं और कुछ खरीदारी की है तो आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हो। जो यूपीआई है, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा फुल फॉर्म होता है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, तो यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह प्रोजेक्ट 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। जो यूपीआई है, यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई और आरबीआई जो हमारी दो संस्थाएं हैं इन्होंने ही एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूपीआई की शुरुआत की थी। आरबीआई गवर्नर माननीय डॉक्टर रघुराम जी राजन ने 21 सदस्य बैंकों के साथ इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन आज 140 से अधिक यूपीआई आधारित बैंक यूपीआई का यूज करती हैं। जो हमारी 140 से अधिक बैंक हैं वो सभी बैंक यूपीआई जो होता है इसका यूज करते हैं लेन देन करने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूपीआई क्या है और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और यूपीआई को कब लॉन्च किया गया। तो यूपीआई और कुछ नहीं बल्कि आम आदमी जो हैं सभी लोग इसका यूज करते हों, आम आदमी हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो यूपीआई का यूज करता है। अगर वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन की सहायता से पेमेंट करता है या फिर लेन देन करता है तो वो यूपीआई का ही यूज करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है यूपीआई की विशेषताएं। यूपीआई की कुछ विशेषताएं भी हैं, क्योंकि हम यूपीआई की सहायता से धन हस्तांतरण की सुविधा वर्ष के 2400 घंटे यानी कि 365 दिन में कभी भी कर सकते हैं। अगर हम यूपीआई के सहायता से लेन देन करते हैं तो दिन हो या रात हो यानी कि हम 24 घंटे तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सभी बैंकों के लिए केवल एक आवेदन आवश्यक होता है यूपीआई के लिए। विभिन्न प्रकार के भुगतान सेवाएं हम यूपीआई की सहायता से कर सकते हैं। पैसों के लिए अनुरोध भेजने की सुविधा भी हम यूपीआई में प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई ऐप में ही शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर हमें किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत हो रही हो तो हम यूपीआई ऐप की सहायता से उसकी शिकायत कर सकते हैं। यूपीआई की सहायता से हम सुरक्षित और तेज गति से पेमेंट कर सकते हैं। उपयोग करने में आसान होता है। जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई उपयोग करने में आसान होता है। इसको यूज करने के लिए हमें किसी भी तकनीक
विशेषज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जो भी होता है वो भी यूपीआई का यूज कर सकता है, क्योंकि यूपीआई बहुत ही आसान है। इसको चलाने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूपीआई के फायदे क्या है, यानी कि एडवांटेज ऑफ यूपीआई, यूपीआई से कौन कौन से फायदे होते हैं। बात करें वित्तीय सेवा प्रदाता की, तो जो यूपीआई है, यूपीआई से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमको मनी प्राप्त करना हो तो हम प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई की सहायता से हम एक दूसरे को मनी भेज सकते हैं। अगर हमें उस व्यक्ति से मनी प्राप्त करना हो तो हम उस व्यक्ति से मनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार का बिल भुगतान करना हो तो हम यूपीआई की सहायता से बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। अगर हम अपने बैंक अकाउंट की राशि जांचना चाहें कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो हम यूपीआई की सहायता से अपना बैंक बैलेंस भी जांच सकते हैं। अपने बैंक बैलेंस की पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कब कहां पर हमने कितने पैसे का भुगतान किया है और कितने हमने अपने अकाउंट में प्राप्त किया है। कुछ सामान्य सेवाएं भी होती हैं यूपीआई की, जैसे कि अगर हमको ओटीपी जनरेट करना हो तो हम ओटीपी भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हमको अपने अकाउंट का पिन बदलना है या फिर पिन बनवाना है तो हम यूपीआई के जरिए पिन को बदल सकते हैं और पिन को बनवा भी सकते हैं। वर्चुअल भुगतान पता बनाना और बदलना, यानी कि अगर हमें वर्चुअल भुगतान करना हो तो वर्चुअल भुगतान भी कर सकते हैं। अगर हम अपने अकाउंट में कोई भी एड्रेस दिया गया है या किसी को हमें अमाउंट भेजना हो तो उसका हम एड्रेस वगैरह डाल करके, उसका मोबाइल नंबर डाल करके, आईडी डाल करके हम उस व्यक्ति को भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई में हम अपना बैंक खाता जोड़ सकते हैं और उसको हटाना हो तो हटा भी सकते हैं। यूपीआई की सहायता से अगर हमको ट्रांजेक्शन देखना है तो हम ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करना, अगर हमें यूपीआई की सहायता से क्यूआर कोड जनरेट करना है तो हम क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, फिर उसको स्कैन करके हम अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई शिकायत करना हो तो हम यूपीआई की सहायता से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अगर हमको लेन देन का पूरा विवरण देखना हो तो हम यूपीआई की सहायता से लेन देन का पूरा विवरण भी देख सकते हैं। ये होती हैं यूपीआई के फायदे और यूपीआई की विशेषताएं। फिर इसके बाद है, अगर हम यूपीआई का उपयोग करें तो हम यूपीआई का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। यूपीआई का उपयोग मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाता है और आप बैंक द्वारा इस सेवा को चालू करें, इसके बाद ही आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि यूपीआई स्टार्ट करने के लिए आपके पास निम्न प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। जो भी बैंक खाता होना चाहिए उस बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर जो है वो जुड़ा होना चाहिए। एक उपकरण जिसमें इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि आप जिस भी डिवाइस में यूपीआई को यूज करना चाहते हो वो डिवाइस आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए। मान लिया हम मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप के जरिए यूपीआई का यूज कर रहे हैं तो हमें इंटरनेट की सुविधा लेनी चाहिए। अगर हम यूपीआई की सहायता से एटीएम का एम पिन बनाना चाहें तो हम एम पिन भी एटीएम का बना सकते हैं। एक यूपीआई मोबाइल ऐप है, यानी कि जो यूपीआई होता है ये मोबाइल ऐप है, इसको हम मोबाइल ऐप के सहायता से चला सकते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद का एक यूपीआई ऐप डाउनलोड करें। अगर हम यूपीआई का यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो यूपीआई ऐप होते हैं उनको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि यूपीआई ऐप बहुत से हैं। जैसे कि बेस्ट यूपीआई ऐप, मान लिया हम भीम यूपीआई का यूज करना चाहें तो हम भीम ऐप का भी यूज कर सकते हैं, फ़ोनपे का यूज कर सकते हैं, एसबीआई पे का यूज कर सकते हैं, या फिर एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग का यूज करके हम यूपीआई का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सी बैंकें हैं, जैसे आईसी आईसीआई पॉकेट्स हो गया, एक्सेस पे हो गया, यूनियन बैंक यूपीआई ऐप हो गया। तो इस तरीके की हमारी बहुत सी यूपीआई ऐप होते हैं जिनका यूज करके हम यूपीआई का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब हमारे यूपीआई ऐप होते हैं। तो इनको हम मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके यूपीआई का यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूपीआई। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि यूपीआई क्या है, यूपीआई को हम किस तरीके से यूज करते हैं और यूपीआई की विशेषताएं और यूपीआई के फायदे क्या हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे
कि ए ई पी एस यानी कि ए ई पी एस क्या है। ए ई पी एस जो है इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे ये ई पी एस के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं व्हाट इज ए ई पी एस। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।